व्हाट्सअप गाइज कैसे हो आप लोग वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द 23 थ्री राइट्स चैनल एंड आज हम रिव्यू करने वाले हैं ईसूजू डी मैक्स वी क्रॉस को ये एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू होगा इस गाड़ी को मैंने पिछले तीन सालों में 57,000 सेवन थाउजेंड किलोमीटर्स चलाया सो so, आपको एक ओनर्स पर्स्पेक्टिव से पता लग जाएगा कि ये गाड़ी इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं सो so, एक क्वेश्चन जो मेरे से सब लोग पूछते हैं कि तूने ईसूजू वी क्रॉस क्यों ली मैंने इस गाड़ी को खरीदा था 2018 अगस्त में एंड फिफ्टी सेवन थाउजेंड किलोमीटर्स चला चुका हूँ तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम लविंग दिस कार बट एट दैट टाइम जो मेरी रिक्वायरमेंट्स थी फ्रॉम अ न्यू व्हीकल स्टैंड पॉइंट वो ये थी कि मुझे एक गाड़ी चाहिए थी जो ऑफ रोड कर पाए क्योंकि मेरे को लद्दाख स्पीति जाने का बहुत शौक है एक ऐसी गाड़ी हो जिसमें फोर बाई फोर मोड हो एंड थर्ड uh, उसकी रोड प्रेजेंस बहुत अमेजिंग होनी चाहिए तो मेरे पास जो ऑप्शन थे ना अराउंड सेवनटीन एटीन लैक्स बजट में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम थे एक थी क्रेटा जिसका टॉप मॉडल अराउंड सिक्सटीन सेवनटीन लैक्स का आ रहा था एक और ऑप्शन जो था वो था डस्टर एंड एक और ऑप्शन था रेनो की कैप्चर आई थिंक थी उस टाइम मार्केट में तो ये तीन ऑप्शन उस बजट ट्रेंड में फॉल कर रहे थे फोर बाय फोर केपेबिलिटी के हिसाब से सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो था डस्टर एंड उस टाइम पे बाय द वे टाटा हैरियर लॉन्च नहीं हुई थी एंड इट वाज अबाउट टू गेट लॉन्च इन लाइक सिक्स मंथ्स सो लिमिटेड ऑप्शंस के कारण मुझे ऐसा लगा कि 15.5 लाख एक्स शोरूम में इसूजू वी क्रॉस का जो वैल्यू प्रोपोजिशन था ना मेरे लिए बहुत परफेक्ट था इसके बियॉन्ड अगर मैं उस टाइम पे सोचता जो गाड़ियाँ थी वो फॉर्चूनर और इंडेवरी थी जो इसके डबल बजट में थी वो एक ऐसा टाइम था जब आपको नई फॉर्च्यूनर अराउंड थर्टी फाइव में मिलती थी एंड मुझे ये गाड़ी ऑन रोड सेवनटीन लैक्स में पड़ी तो अगर आप डिफरेंस देखो बीच में जो 18 लैक्स का डिफरेंस है वो मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था ऑफकोर्स फॉर्चुनर एक बहुत बढ़िया गाड़ी है बहुत प्रीमियम लगती है अंदर से एंड ये काफ़ी सिंपल गाड़ी है बट फ्रॉम एन इंजन स्टैंड पॉइंट एंड जो ये गाड़ी कर सकती है कंपेयर टू फॉर्चुनर उसमें मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा ऑफ रोडिंग दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है वो हम आपको आगे ऑफ सेक्शन में बाद में बताएंगे एंड सिंस अब अभी प्राइस की बात कर रहे हैं इस गाड़ी की तो इस गाड़ी का प्राइस जो है ना पिछले तीन सालों में सात से आठ लाख रुपए ऑलरेडी बढ़ चुका है ये ऐसा लग रहा है कि मैंने गाड़ी नहीं मे बी लाइक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है जब मैंने 2018 में गाड़ी खरीदी थी तो 17 लाख ऑन रोड पड़ी थी मुझे उत्तराखंड का नंबर लेने पर फिफ्टीन पॉइंट एक्स शोरूम था अब जो सेम मॉडल इस का आ रहा है वो आ रहा है अराउंड ट्वेंटी फाइव ऑन रोड तो आई फील इस गाड़ी की जो वैल्यू है इंडियन मार्केट में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है मुझे ये भी याद है जब ये गाड़ी 2012 में या 13 में इंडिया में लॉन्च हुई थी तो इसमें एक ही मॉडल आता था बट वो 12.5 या 13 लैक्स एक्स शोरूम पड़ता था तो ओवर द ईयर्स इस गाड़ी की वैल्यू बढ़े जा रही है इफ़ आई कंपेयर इट टू अदर कार्स मुझे ऐसा लगता नहीं इतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता है प्राइस में एंड दिस इज़ वन बिग इंडिकेशन के जो पिकअप सेगमेंट है ना पिकअप ट्रक वाला सेगमेंट इंडिया में वो डेफिनेटली आगे ग्रो करेगा इस गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है वो सबको इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आज तीन साल के बाद भी मैं ऐसे कहीं भी लेके जाता हूँ तो लोग ऐसे देखते हैं पहली बात तो इसका साइज़ इतना बड़ा है वो कहते हैं कितनी बड़ी गाड़ी आ गई है अल्टीमेटली इसमें उतनी पावर है नहीं बट आ, जो ओवरऑल साइज़ है इस गाड़ी का वो सबको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है सो जब आप इस गाड़ी के साइज़ की बात करते हो तो आप एक चीज़ तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते जो इसका सबसे बड़ा यू है वो है इसका लोडिंग बे जिसके कारण इसे पिकअप ट्रक बोला जाता है अब मैं आपको इसका लोडिंग बे दिखाता हूँ ऑफकोर्स लोडिंग बे में कई टाइप की मॉडिफिकेशनस होती हैं मैंने यहाँ पे एक स्पोर्ट्स डी बॉक्स लगाया हुआ है इस उजू पर जो बेसिकली मुझे प्रोटेक्शन देता है कि मैं लगेज यहाँ पर रखूँ भी तो कोई चुरा ना पाए सो so, ये इसका बेसिक एक कवर है जो ऊपर से खुलता है हाफ खुलता है पूरा नहीं खुलता एंड ऑफ कोर्स ये इसका लोडिंग uh, बे का एरिया है जो गाड़ी में स्टॉक आता है अब अगर यहाँ पे आप पूरी गाड़ी के अंदर स्पेस देखो तो uh, मैं क्या बोलूँ मेरे हिसाब से तो इस लोडिंग बे का जो पूरे एरिया की जो कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट है अगर आप इसमें कवर ना लगाओ तो वर्टिकली तो आप कुछ भी ले जा सकते हो मतलब आप पता नहीं कितनी बोरियाँ स्टैक कर सकते हो यहाँ पर मैंने ये लगाया हुआ है इसके लिए मेरे पास इसकी वर्टिकल लिमिटेशन है इसका ये फ़ायदा रहता है कि मैं अपना सामान डालता हूँ अंदर छोड़ता हूँ और भूल जाता हूँ चाहे बारिश हो रही हो चाहे बर्फ़ गिर रही हो या मुझे गाड़ी को कहीं खड़ा हुआ छोड़ना है तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि मेरा कोई सामान उठा के ले जाएगा बाहर की कंट्रीज़ में ये होता है कि आप अपना सामान छोड़ जाओ कोई चुराता नहीं है पर हमारे इंडिया में सामान लोग उठा के रेड लाइट पर भी ले जा सकते हैं इसलिए मैंने इस टाइप की मॉडिफिकेशन को चूज़ किया है बाकी इस लोडिंग बे का जो ये गेट है ये बिल्कुल टिपिकल ट्रक की तरह स्ट्रॉग है इस पर मैं आराम से आके बैठ सकता हूँ कोर्स इसके अंदर काफ़ी सारे हमें यहाँ पे स्लॉट्स भी दिए हुए हैं जिसके अंदर आप अगर पार्टी करते हो तो यहाँ पे अपनी बॉटल रख सकते हो खाने पीने का सामान रख सकते हो और कहीं भी बैठ जाओ पहाड़ों में जाके इंजॉय करना हो तो आप तीन चार लोग यहाँ पर बैठ के गाड़ी चल रही है धीरे धीरे इन्जॉय भी कर सकते हो सीनरी को एंड अगर इस लोडिंग बे वाले गेट की स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ जैसे अभी बैठा हूँ इस पर आप आराम से खड़े भी हो सकते हो इतनी स्ट्रेंथ है इसकी तो प्रॉपर ट्रक वाला स्ट्रेंथ है इस लोडिंग बे गेट की तो यहाँ पे कुछ भी सामान रखो बहुत आराम से फिट आएगा और स्ट्रेंथ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं कूद भी लो इस पर तो ये आपको इसके प्रॉपर शॉकर दिख रहे हैं एक चीज़ जो मैंने और लगाई हुई है इस लोडिंग बे के कवर पे वो है एक लाइट ऑफ़ कोर्स जहाँ से मॉडिफिकेशन हुई वहीं से एक लाइट लगी जिसमें हमें रात को सारा सामान यहाँ पे दिख जाए क्योंकि डिक्की इतनी बड़ी है डिक्की तो बोलना नहीं चाहिए हाँ लोडिंग बे ही इतना बड़ा है कि इसमें सामान ढूंढने के लिए ना कभी कभी आपको अंदर चढ़ के जाना पड़ता है इतनी रीच है अंदर एंड एक चीज़ जो मेरे को कई लोग बोलते हैं कि भाई साहब इसमें आप सामान क्या रखते हो आपका कोई ऐसा काम है क्या सामान इधर से उधर ले जाने का इसमें आप क्या डालते हो तो मैं कभी कभी कहता हूँ हाँ इसमें ना लाशें डाल के लेके जाता हूँ इधर उधर तो इतना बड़ा है लोडिंग पे इसमें आप कुछ भी डाल दो सामान मेरे ख्याल से तो घर का एक स्टोरेज रूम की तरह है ये जो मॉडिफिकेशन कराई है इस पर मैंने कवर की लोडिंग बे पे पर ये मुझे अराउंड सेवेंटी थाउजेंड की पड़ी थी सो so, अगर मैं इसको गाड़ी की कॉस्ट में भी ऐड कर लेता हूँ तो साढ़े सत्रह में मेरा सारा काम हो गया था ऑलमोस्ट आजकल इस उज़ू के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू मॉडिफ़िकेशन आ गई हैं और मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि लोडिंग बे को किस किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है क्लोज वाला है ओपन वाला है केज वाला है इलेक्ट्रॉनिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर वाला है आजकल तो बहुत ज़्यादा आ गया है so, सो जैसे जैसे पिकअप मार्केट बढ़ेगी तो ये चीज़ विल बी द काइंड ऑफ द डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर फॉर योर व्हीकल कि आपकी आपका व्हीकल बाकी व्हीकल से अलग कैसे लगता है सो so, अब हम बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में एंड सब लोग इतनी बड़ी गाड़ी देख के सोचते हैं कि इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी बहुत सारे फ़ीचर्स होंगे बट आई फील ये गाड़ी बहुत ज़्यादा सिंपल है इवन फ्रॉम 2018 थाउजेंड स्टैंड पॉइंट तब भी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आते थे पर इस गाड़ी में ना आई फील चीज़ें इतनी सिंपल रखी गई हैं कि सालों साल चले अगर आप यहाँ पर स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की बात करो तो बेसिक स्टफ दिया गया कुछ फैंसी सामान नहीं दिया गया सो so, इस गाड़ी का जो इन्फोटेमेंट सिस्टम है काफ़ी बेसिक है जैसा आप देख रहे हो ब्लैक एंड वाइट कलर है कोई इसमें कलर्स दूसरे हैं नहीं ना एप्पल कारप्ले है ना एंड्रॉयड ऑटो है सो so, जैसा मैं कह रहा था इंटीरियर से आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लो रखना साइज़ देख के मत समझना गाड़ी का कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी लोडेड होगी हाँ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है जो बिल्कुल फ्लॉलेसली चलती है जो स्पीकर्स दिए गए हैं गाड़ी के अंदर उनकी क्वालिटी भी डिसेंट है मतलब अगर आपको टॉप नॉच ऑडियो क्वालिटी चाहिए तो आपको डेफ़िनेटली अपग्रेड करना पड़ेगा बट मैंने अभी तक कोई चेंज नहीं करवाया स्पीकर में क्योंकि एज़ अ फैमिली मुझे जितना वॉल्यूम पसंद है उतना गाड़ी में बढ़िया आता है वॉल्यूम नीचे पॉइंट्स वगैरह में आ, एक पॉइंट यहाँ दिया है जिसमें मैंने यू केबल लगाई हुई है फ़ोन वगैरह चार्ज करने की आ, एक पॉइंट आपको मिलता है इस एरिया में जहाँ पर यहाँ पर भी आप अपना कार चार्जर लगा सकते हैं अदरवाइज़ यहाँ की स्पेस ठीक ठाक है सामान रखने के लिए इधर भी सामान पड़ा हुआ है मैंने गाड़ी को साफ नहीं करा क्योंकि ये फैमिली यूज़ में आती है कार अगर आपको साफ गाड़ी देखने का शौक है तो आप ऑटो कार और रोड ड्राइव का रिव्यू देखो ये तो फैमिली कार है मैं आपको एज इट इज़ दिखा रहा हूँ और स्टोरेज की बात करें तो ड्राइवर के साइड में दो कप होल्डर्स हैं अच्छी खासी स्पेस है एंड यहाँ पे एल्बो के नीचे जो स्टोरेज एरिया है इसके अंदर भी ठीक ठाक जगह है जहाँ पे काफ़ी सामान आ जाता है सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं लॉन्ग जर्नीज़ मैंने करी हुई है इस पर लद्दाख गया हूँ स्पीति गया हूँ इवन फैमिली के साथ गया हूँ तो सीट्स का जो ओवरऑल साइड सपोर्ट है वो भी काफ़ी बढ़िया है एंड ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्पेस होती है ड्राइवर को जो मिलती है वो भी काफ़ी खुली है इवन फॉर द पैसेंजर सिटिंग यू नो बिसाइड्स मी उसके लिए भी अच्छी खासी स्पेस है तो आई फील ये गाड़ी ना बेसिक रिक्वायरमेंट्स टिक करती है अगर आपको कोई लेटेस्ट मॉडर्न फीचर्स चाहिए वो आपको यहाँ लगवाने पड़ेंगे इसमें जो नया एंड्रॉयड ऑटो वाला सिस्टम लगवाना है वो अलग से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जो मैंने नहीं किया क्योंकि उससे कभी कभी ना स्टेरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स थोड़े से उनकी ट्यूनिंग हिल जाती है तो मैंने इस गाड़ी को बिल्कुल सिंपल रखा है इसके सिंपल जैपनीज़ इंजन की तरह मैं इसको इसके प्लेन फॉर्मेट में चला रहा हूँ ना कोई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशनस की है ना कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा लगाए सिवाय लोडिंग बे की इन्वेस्टमेंट की सो so बेसिकली जब मैंने ये शुजू ली थी वो दो स्पेसिफ़िक मॉडल्स में आती थी एक लो एंड हाई एंड हाई मॉडल मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इसमें क्रूज़ कंट्रोल आता है क्रूज़ कंट्रोल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टोरिंग करता हूँ एंड ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक फीचर है जो रेली really इस गाड़ी में यूज़फुल है कोई ऐसा इसमें शोशा नहीं है एंड सेकेंड पार्ट जो है यहाँ पर इसके आपका फोर बाय फोर और फोर एल फोर एच मोड्स का डायल है जो ऑफकोर्स हम सारा ऑफ रोड टेरेन पे यूज़ करते हैं मैं जब इस गाड़ी में रिसेंटली स्पिति गया था विंटर स्पिति मैंने किया था तो फ़ोर एल मोड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था गाड़ी में क्योंकि ब्लैक आइस पे चलाने में ये गाड़ी ट्रैक्शन लेने में फ़ोर एल मोड आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपार्ट फ्रॉम क्रूज़ कंट्रोल वी क्रॉस के हाई मॉडल के अंदर एक और एडिशनल फीचर आता है जो है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट आ, ये सिर्फ आपको ड्राइवर के लिए मिलती है यही एक ऐसा फीचर है जो आपको फ़ील कराता है कि आप एक थोड़ी सी प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी चला रहे हो इस गाड़ी का जो ए सी है वो भी काफ़ी सिंपल है सर्कुलर डायल है जिसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है वो इन्होंने थोड़ा रहम करके हमें फ़ीचर दे दिया है इस गाड़ी में बाकी अगर आप इसका पूरा लेआउट देखो तो आपको काफ़ी ज़्यादा शेबरले की बाकी कार्स के साथ मिलता हुआ लगेगा सिंपल रोबस्ट ऐसच कोई इसमें सॉफ्ट टच बटन्स नहीं है बट एक नॉर्मल डायल है जो आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है एंड ए सी इफेक्टिवनेस इस गाड़ी की बहुत बढ़िया है आगे जो दो वेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा कूल cool करते हैं सो so, अब गाड़ी की पीछे वाली सीट की स्पेस आपको दिखाता हूँ जिसके कारण मैंने इस गाड़ी को सिलेक्ट किया था इन कम्पेरिजन टू क्रेटा एंड डस्टर एट दैट टाइम मेरी हाइट है सिक्स फीट आगे वाली सीट सिक्स फीट ड्राइवर के हिसाब से सेट हुई हुई है एंड आप ये जो नी स्पेस देख रहे हो ना यहाँ पे ये आपको काफ़ी सारी गाड़ियों में नहीं मिलने वाली है स्पेशली इन दिस सेगमेंट एंड मुझे इसलिए ऐसा लगा ये जो सीट है ना पीछे वाली चौड़ी है काफ़ी ज़्यादा नी स्पेस प्रोवाइड करती है अच्छी बात यह है कि जो बीच वाली सीट है Uh, उसमें कोई एज सच बहुत बड़ा बम्प नहीं है जो आपकी बीच वाले पैसेंजर जो अगर पीछे बैठता भी है कोई कोई बच्चा ही बैठता है बड़ा भी बैठता है तो उसको अनकम्फर्टेबल नहीं फील होगा तो यहाँ पर ना इस ओवरऑल बेंच की जो विथ है वो तीन लोगों को बिठाने के लिए काफ़ी अच्छी है एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो इस गाड़ी की पीछे वाली सीट में है वो है ये जो बैक रेस्ट है ना ये रिक्लाइन नहीं होता इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसके डायरेक्ट पीछे आपका लोडिंग बे एरिया आता है जो ऑफ कोर्स हार्ड मेटल का बना है तो यहाँ पे वो जगह नहीं है कि आप अपनी पीछे वाली सीट को ऐसे कर पाएँ और आराम से रिलैक्स कर पाएँ सो so जो पीछे के ए सी वेंट्स हैं यहाँ पर उनकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी मुझे बट ये ना आपके सीधे पैरों पर हवा मारते हैं आइडली यहाँ पर होते हैं ए वेंट्स ऊपर कहीं बट आई थिंक इफेक्टिव है ए सी अगर थोड़े से ऊपर ए सी वेंट्स दिए होते हैं तो डायरेक्ट हवा आती है बंदे के ऊपर तो वो बेटर लगता है बट एनी वेज इनसे काम चल जाता है हमारा रियर पैसेंजर्स के लिए जो स्टोरेज स्पेस दी है उसमें जो मेन चीज़ें यहाँ पर वो कप होल्डर्स हैं जो यहाँ से बाहर खुल जाते हैं आप दो कप्स रख सकते हो सो so, सबसे बड़ा रीज़न जिसके लिए मैंने इस युजू ली थी 2018 में वो थी इंजन रिलायबिलिटी एंड इसका जो 2.5 लीटर का इंजन है जैपनीज़ इंजन सुपर रिलायबल है पिछले तीन सालों में मुझे इस गाड़ी में ज़ीरो इश्यूज हुए हैं अभी इस गाड़ी की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी काफ़ी रीज़नेबल है परफॉर्मेंस भी असम awesome है और इसमें एज सच कभी भी मुझे कोई ऐसा इशू नहीं आया कि गाड़ी कभी ब्रेक डाउन हो गई हो फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रिप पे जीरो इशूज़ दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड टू गो विद जैपनीज़ इंजन ओवरऑल जो बिल्ड एंड फिनिश है इस गाड़ी की बहुत हैवी है अगर इस बोनेट इंजन कवर की भी वेट की बात करूँ तो इतना हैवी है कि अगर आप यहाँ देखें आपको नॉइज़ से समझ में आ जाएगा कि इसने कितना आवाज़ निकाली है यहाँ पे। हर जगह से गाड़ी बहुत स्ट्रांग है स्पेशली सामने से एंड ये एक चीज़ है जो आजकल की गाड़ियों में मिसिंग है जैसे जैसे गाड़ियाँ एडवांस हो जा रही हैं उनको माइलेज के चक्कर में लाइट करा जा रहा है इस गाड़ी में ऐसा कोई भी कॉर्नर्स कट नहीं किए गए हैं गाड़ी सुपर स्ट्रांग है फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्राम द रियर एज वेल सो गायज अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो है माइलेज एंड मैंटेनेंस तो ये बात थोड़ा सा आराम से करते हैं आपसे uh, इस गाड़ी की जो माइलेज है मुझे जो मिलती है इसकी माइलेज अराउंड ग्यारह से बारह के बीच में मिलती है जो गाड़ी इतनी हैवी हो इतनी बड़ी हो साइज़ में आई थिंक ग्यारह से बारह की माइलेज ओवर अ लॉन्ग टर्म काफ़ी डिसेंट है मुझसे ज़्यादातर लोग जब माइलेज पूछते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि इस गाड़ी की माइलेज अराउंड आठ से नौ होगी तो अगर ग्यारह से बारह की माइलेज मुझे मिल रही है आई फील इट इज़ अ डिसेंट कार आप कोई भी डीजल गाड़ी को बड़ी डीजल गाड़ी को देखो तो एट पार है ये माइलेज ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि आप अपनी मोस्ट ऑफ़ द ड्राइविंग कहाँ करते हैं मेरी uh, जो मोस्ट ऑफ़ द ड्राइविंग होती है वो सिटी में होती है एंड जो भी लॉन्ग ट्रिप्स करता हूँ मैं मेरा गाड़ी चलाने का तरीका काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल uh, है मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं चलाता गाड़ी को क्योंकि मेरे सारे ट्रिप्स ऑलमोस्ट फैमिली के साथ होते हैं सो दैट ऑल्सो प्लेज अ बिग पार्ट कि आपको कितनी मैरेज मिलेगी इस गाड़ी से uh, अगर मेंटेनेंस की बात करें तो इस गाड़ी में दो टाइप की सर्विसेज होती हैं एक होती है माइनर सर्विस एक होती है मेजर सर्विस एंड दोनों सर्विसेज का इंटरवल होता है टेन थाउजेंड किलोमीटर्स जो भी आपकी माइनर सर्विस होती है इनफैक्ट जो फर्स्ट टेन थाउजेंड सर्विस मैंने करवाई थी टेन थाउजेंड किलोमीटर्स पर Uh, उसका मेरे को प्राइस पड़ा था अराउंड सेवन थाउजेंड रुपीज़ विच आई फील इज़ वेरी वेरी रीजनेबल कंसिडरिंग जितनी बड़ी गाड़ी है जितना बड़ा इंजन है जितने इसके पॉसिबली एक्सपेंसिस हो सकते थे उससे बहुत ज़्यादा कम है अगर आप ट्वेंटी थाउजेंड सर्विस की बात करें आ, उसका एक्सपेंस आपको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा वो आपको पड़ेगा अराउंड फिफ्टीन टू सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज़ क्योंकि उसमें कुछ ऑयल्स वगैरह चेंज होते हैं एंड जो जो भी इस उजू की प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से कुछ एडिशनल चीज़ें चेंज होती हैं Uh, मैंने इसकी अभी तक पाँच या छः सर्विसेज करवाई हैं मुझे एग्जैक्ट काउंट नहीं याद आ रहा बट जो 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 थाउजेंड एट्टी थाउजेंड एंड हंड्रेड एंड ट्वेंटी थाउजेंड विच इज़ लाइक वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड किलोमीटर वाली सर्विस वो आपको कंपनी से अगर आप करवाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी उसका मेरे को जो एस्टिमेट पड़ा है एस्टिमेट दिया था इस उज ने वो दिया था अराउंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री थाउजेंड की सर्विस बट मैंने उस सर्विस को भी किसी जुगाड़ से एक यूज़ू के मैकेनिक से बाहर से करवाया था तो वो सर्विस भी मुझे अराउंड बारह तेरह हज़ार की पड़ी थी तो आ, नेट नेट में ये कहना चाहता हूँ अगर आपकी गाड़ी का वारंटी पीरियड ख़त्म हो चुका है जो कि दो साल होता है इस गाड़ी का तो आपके पास काफ़ी सारे हैक्स हैं ईसुज़ू के मैकेनिक से ही सर्विस करवाने के जिससे आप काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट सेव कर सकते हैं और आपका जो ईयरली मैंटेनेंस स्पेंड आएगा सर्विस पे वो आपका डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सर्विस आठ से लेकर पंद्रह के बीच में निपट जाएगा सो so, ये इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है अपार्ट फ्रॉम दैट इस गाड़ी में आपके जो टायर्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसकी लुक को एनहैंस करने में मैंने फ़र्स्ट सेट ऑफ टायर्स चेंज जो करवाए थे वो कराए थे आफ्टर ड्राइविंग इट फॉर फोर्टी फाइव थाउजेंड किलोमीटर्स वो स्टॉक टायर्स थे जो एम आर एफ के हाईवे टेरेन टायर्स आते हैं उसके बाद जो मैंने टायर्स लगवाए वो लगवाए मैक्सिस ब्रावो एटी ऑल टेरेन टायर्स इनका काफ़ी ऑफ रोड स्पेसिफिक एग्रेसिव पैटर्न है जिनको लगवाने के बाद मैं इस गाड़ी पे अभी रिसेंटली जुलाई में ही फैमिली के साथ पूरा लद्दाख श्रीनगर वाला सर्किट कर कर आया हूँ सो so, एक लोगों के दिमाग में जो मिसकनसेप्शन है इसुजू वी क्रॉस के बारे में कि ये बहुत ही बढ़िया ऑफ के लिए गाड़ी है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर आउट करना चाहूँगा एंड उसको क्लियर आउट करने से पहले मैं ये बताता हूँ कि मेरे हिसाब से ऑफ़ करने के लिए गाड़ी में कौन सी तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं नंबर वन चीज़ गाड़ी का इंजन कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होना चाहिए कि उसमें बहुत ज़्यादा टॉर्क हो जिससे वो ऑब्स्टिकल्स क्लियर करने में आपको हेल्प करे वो इस गाड़ी में है सो दैट इज़ अ टिक मार्क सेकेंड गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होनी चाहिए जो इस गाड़ी की जो इस पिकअप ट्रक की आई शुड से काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है अराउंड 225 हंड्रेड ट्वेंटी एम से ज़्यादा है ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है जो थर्ड चीज़ होती है वो होती है गाड़ी का अप्रोच एंड डिपार्चर एंगल अगर आप इस गाड़ी का अप्रोच एंगल देखें जो ये एंगल बन रहा है फ्रंट टायर जहाँ ख़त्म हो रहा है और जो ये वाली क्लियरेंस है ये काफ़ी अच्छी है सो ये क्लाइम कर समय आ, बड़े हिल्स पे आराम से चढ़ जाएगी क्योंकि ये बोनट जो है आगे से काफ़ी ज़्यादा निकला नहीं हुआ टायर के आगे बट अगर आप ये पीछे देखें यहाँ पर जिसे कहते हैं गाड़ी का डिपार्चर एंगल वो बहुत ख़राब है अगर आप इस गाड़ी को स्टीप इंक्लाइन पर चढ़ाएँगे तो आगे वाला पार्ट तो आराम से चढ़ जाएगा बट पीछे ये वाला पार्ट ज़मीन पे टच होना शुरू हो जाता है ऐसे एंगल पे होने के कारण सो so, बहुत ही टेक्निकल ऑफ रोड्स अगर आपको करने हो तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट नहीं होगी इनफैक्ट अगर आप थार को देखें या फॉर्च्यूनर को देखें या एंडेवर को देखें इन तीनों गाड़ियों का जो अप्रोच एंड डिपार्चर एंगल है इस इस पिकअप ट्रक से बहुत ज़्यादा बेटर है बट ऑफकोर्स डिफरेंट प्राइस सेगमेंट है एंड डिफरेंट केपेबिलिटीज़ हैं इस गाड़ी को मैं एज़ अ प्रॉपर फैमिली लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजर की तरह यूज़ करता हूँ तो लंबे ट्रिप्स में बहुत कंफर्टेबल होगी खराब सेक्शंस पे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आराम से आपको कहीं से भी निकाल देगी बट टेक्निकल ऑफ रोड्स पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपका इंक्लाइन बहुत ज़्यादा स्टीप हो अगर आप इस गाड़ी को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो एक और चीज़ मैं बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहूँगा वो है इस गाड़ी को चलाने का माइंड सेट सारे लोग इस गाड़ी का 2.5 लीटर का इंजन देख के और इसका साइज़ देख के सोचते हैं कि ये गाड़ी की टॉप स्पीड तो बहुत ज़्यादा होने वाली है ये तो 200 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे चलेगी नहीं इस गाड़ी को चलाने के लिए जो माइंडसेट चाहिए आपको बहुत ही एक मेच्योर माइंडसेट चाहिए ये गाड़ी क्रूजिंग के लिए बनी है टॉप स्पीड के लिए नहीं बनी है इसकी जो पावर फिगर्स हैं वो हैं हंड्रेड एंड थर्टी फाइव बी एच पी एंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉक सो लोग इसको रीमैप करवाते हैं बी एच पी बढ़ाने के लिए बट फिर भी जो इसके इंजन का ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक है वो ऐसा है कि इस गाड़ी को आप अस्सी से लेकर एक सौ बीस किलोमीटर्स पर आर की स्पीड में आप इंजॉय कर पाओगे उसके बियॉन्ड 120 के बाद अगर आप जा रहे हो तो आपको ना वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा जो एक ज़्यादा बी वाली कार को चलाने में आता है तो और ना ही वो इतना सेफ लगेगा क्योंकि गाड़ी का वेट इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा मोमेंटम कैरी करेगी तो इंडियन रोड्स पर बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं होगा ये चीज़ को अपने दिमाग में रखना कि इस गाड़ी को लेने के बाद आप ना हाई स्पीड 150 एंड टाइप की जो ड्राइविंग है ना वो आप एक्सपेक्ट मत करना है इस गाड़ी से करने के लिए इसे एज अ मेच्योर ड्राइविंग करने वाला फैमिली व्हीकल समझ के ले सकते हो आप एक और चीज़ जो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी इस गाड़ी को लेने से पहले इसके आप इस गाड़ी को ट्रैफिक में कैसे चलाएँगे इतने बड़ा साइज़ होने के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं आ, मैं एक ऐसी जगह पर रहता हूँ ग्रेटर नोएडा जहाँ पे बहुत खुली खुली सड़कें और ट्रैफिक नहीं होता तो इसलिए मैं इस गाड़ी को अपने डेली ड्राइवर uh, की तरह यूज़ करता हूँ कहीं भी कोई भी छोटा मोटा काम हो मैं इस गाड़ी को निकाल के ले जाना अफोर्ड कर सकता हूँ बट अगर आप एक कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं जहाँ पार्किंग स्पेस की प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा घर से बाहर निकलते ही ट्रैफिक है और बहुत ज़्यादा शार्प यू यूटर्नस वगैरह लेने पड़ते हैं तो ये डेफिनेटली गाड़ी वो वाला सारा काम नहीं कर पाएगी इसका जो टर्निंग रेडियस है वो बहुत बड़ा है स्टेयरिंग थोड़ा सा हैवी है कम्पेयर टू बाकी जो नॉर्मल कार्स हम यूज़ करते हैं सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी अगर आप इस गाड़ी को ले रहे हैं तो कंजस्टेड एरिया में रहते हैं तो आपको एक सेकेंडरी कार की डेफ़िनेटली ज़रूरत पड़ेगी सो फाइनली आफ्टर यूजिंग दिस कार फॉर 57,000 सेवन थाउजेंड किलोमीटर्स तीन साल तक गाड़ी चलाने के बाद मुझे ऐसा लगता है ये गाड़ी एक काफ़ी रिलायबल इन्वेस्टमेंट है एंड इस गाड़ी को मैं अगले 10-12 साल तक आराम से यूज़ कर सकता हूँ ये गाड़ी तो डेफ़िनेटली मेरे गैराज में रहेगी इसके आसपास मुझे शायद एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेनी पड़े क्योंकि जैसे चीज़ें बदल रही हैं आजकल एक सेकेंडरी व्हीकल जरूर लेना पड़ सकता है बट ये गाड़ी फ्रॉम अ टूरिंग स्टैंड पॉइंट बहुत सारे टिक बॉक्सेस क्लियर करते हैं अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करना चाहते हो अपनी फैमिली के साथ लंबे लंबे ट्रिप्स करना चाहते हो और पूरा इंडिया घूमना चाहते हो सो आई फील दिस इज़ अ वैल्यू फॉर मनी कार जिस प्राइस पे मैंने ली थी उस पर तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है एंड आई फील जो अभी पिकअप ट्रक मार्केट मेच्योर होगी टोयटा हिलक्स के आने के बाद दोनों गाड़ियों के बीच में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो पिकअप ट्रक्स के प्राइजेस थोड़े से कम होंगे

A lot more content on the Isuzu V Cross for you. I'll see you in the next one guys. Bye bye.